पोखरा में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को समर्थन में प्रदर्शन। विषम परिस्थिति में जनता का पक्ष में लड़ेका नेतालाई षड्यन्त्रपूर्वक हटाउन देशी र विदेशी शक्ति लागेको युवाहरूद्वारा आक्रोश व्यक्त। गण्डकी प्रदेश में थप 32 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। शुक्रवार कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेमा 19 जना नवल परासीका। गुल्मीको ईसा गाउँपालिका एकमा पहिरोले घर बगाउँदा एकजनाको मृत्यु, एकजना बेपत्ता, अन्य 5 जना घाइते। बलिउडकी प्रसिद्ध नृत्य निर्देशक सरोज खानको हृदयघातका कारण निधन। र पीसीआर मेसिनका लागि खेलाडीबाट सहयोग उठ्ने क्रम जारी। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सन्दीप लामिछाने सहितका खेलाडीहरूद्वारा आर्थिक सहयोग।